नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक RBSE हिंदी कक्षा 5 का 11वां पाठ नीति के दोहे पढ़ाऊंगी। इसमें बच्चों कबीरदास जी और रहीमदास जी के नीति के दोहे दिए गए हैं। तो आइए पहले कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी का पहला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में चला, लेकिन मुझे इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता लगा कि मुझसे बुरा ना कोई, अर्थात इस संसार में मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है, सारी बुराई तो मेरे अंदर ही समाई हुई है। तो इस दोहे का भावार्थ है कि हम जीवन में हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं और अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं, दूसरों में कमियां देखते हैं। यदि हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त कर लें तो हमें कोई भी बुरा व्यक्ति नज़र नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंदियो बताए। इसमें कवि ने, कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद यानी भगवान, दोनों खड़े हैं। मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं ये समस्या में पड़ जाता हूँ कि मैं किसके पैर छूँ, पहले गुरु के पैर छूँ या पहले भगवान के पैर छूँ। तो मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं पहले किसके पैर छूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं बलिहारी गुरु आपरी, फिर मैं कि सबसे पहले क्या करूँगा कि अपने गुरु के ही पैर छूँगा, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गोविंद से मिलवाया है, अर्थात भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तो इसमें उन्होंने भगवान से भी बड़ा किसको बताया है, गुरु को। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो मैं इस दुविधा में हूँ कि पहले मैं किसके पैर छूँ, गुरु के पैर छूँ या गोविंद के, भगवान के। फिर वो कहते हैं कि मैं निश्चय ही गुरु के ऊपर ही बलिहारी जाऊंगा, अर्थात पहले गुरु के ही पैर छूंगा जिन्होंने मुझे गोविंद का रास्ता, गोविंद को यानी भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताया है। इसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है और हम सही मतलब गुरु के सही मार्गदर्शन के बिना भगवान को या अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे साईं, हे स्वामी, आप मुझे इतना दीजिए जिससे मेरे कुटुंब का यानी मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मैं भी भूखा नहीं रहूं और जो मेरे घर अतिथि या साधु आए वो भी भूखा नहीं जाए, अर्थात व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कबीरदास जी ईश्वर से क्या कामना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे इतना दीजिए जिससे मेरे परिवार का भी पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और जो मेरे घर अतिथि आए या साधु आए वो भी भूखा नहीं जाए, बस इतना ही दीजिए मुझे, है ना।
तो बच्चों आज मैं आपको कबीरदास जी के दोहे पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पाठ का शेष पाठ रहीमदास जी के दोहे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।